हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात किया था एजम्पशंस के बारे में कि किस तरीके से हमें लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स के एजम्पशंस कंसिडर करना होंगे वेल एनालाइजिंग और डिजाइनिंग दी आर सिंगली रेनफोर्स्ड डबली रेनफोर्स्ड बीम्स। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से मैं उन एजम्पशंस का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और डिटरमाइन कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। अच्छा, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मीनिंग क्या है? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मीनिंग ये है कि आपको उसके अंदर कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाला है या कितना स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, डिज़ाइन कर रहे हैं आप उसको, इसका मतलब ये होता है कि आपको कितना उसके अंदर कंक्रीट डालना है, क्या सेक्शंस के साइज रखना है, क्या स्टील ग्रेड डालना है, क्या नंबर ऑफ बार्स स्टील के डालना है, वो सभी पार्ट होते हैं डिज़ाइनिंग का। पहले मैं बात करूँ एनालिसिस का, मतलब कोई भी कंक्रीट सेक्शन है जिसके अंदर आपने कुछ गिवन अमाउंट ऑफ स्टील डाला है, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ कंक्रीट डाला है, मतलब कोई गिवन डायमेंशन का हमारे पास आरसीसी सेक्शन है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि आपका कंक्रीट कितने कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है, आपका स्टील कितना टेंसाइल फोर्सेस ले रहा है, कितना उस सेक्शन का रेजिस्टेंस है, उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया जा सकता है, वो आपका पार्ट हो जाएगा एनालिसिस का। या फिर अभी थोड़ा सा इसका अपोजिट में बोलूँ तो आपके बीम के ऊपर यदि इतना लोड आ रहा है तो उसको कितने साइज का डायमेंशन का साइज रखना है, कितना अमाउंट ऑफ स्टील डालना है, स्टील नंबर ऑफ बार्स डालना है, वो पार्ट हो जाता है डिज़ाइन का। पहले हम उसको चीज़ों को एनालाइज करके देखते हैं कि हम किस तरीके से उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ एनालिसिस की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर एक आरसीसी सेक्शन। ये मेरे पास एक आरसीसी सेक्शन है। आरसीसी सेक्शन है मतलब यहाँ पर एक बीम सेक्शन लिया है जिसके अंदर मैंने सपोज कुछ अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज मैंने 3 स्टील रेनफोर्समेंट डाला हुआ है। कंक्रीट जो है ये पूरा कंक्रीट प्रेजेंट है आरसीसी सेक्शन, इसलिए हम कहते हैं इस सेक्शन की जो विड्थ है वो हम दे देते हैं वो बी है। इस सेक्शन का जो इफेक्टिव डेप्थ है उसे हम कह देते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी जो है वो ये रहा, ठीक है। समझने की कोशिश करता हूँ कि डेप्थ इफेक्टिव ही क्यों ली जाती है कैलकुलेशन में। देखिए, एक डेप्थ तो ये हो गई पूरी ग्रॉस डेप्थ, फ्रॉम द टॉप ऑफ सेक्शन टू द बॉटम ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड ग्रॉस डेप्थ। एक डेप्थ होती है मेरे पास इफेक्टिव डेप्थ, ये जो स्मॉल डी मैं यहाँ बना रखा हूँ इसे मैं कहूँगा इफेक्टिव डेप्थ। क्यों इफेक्टिव डेप्थ? क्योंकि जो डेप्थ है वो यहाँ तक ही इफेक्टिव है। क्योंकि आप देखेंगे, मैंने एक एजम्पशन आपको पढ़ाया था, एजम्पशन नंबर 4, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस विल बी टेकन बाय ओनली स्टील। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किया था एजम्पशन नंबर 4 की, मतलब जितना भी टेंशन आने वाला है वो इस स्टील रेनफोर्समेंट तक ही आने वाला है। इसके नीचे का जो कंक्रीट है वो मेरे लिए यूजलेस है। एरिया ऑफ कंक्रीट आई इग्नोर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, देन वाई टू कंसिडर द डेप्थ अप टू द ग्रॉस डेप्थ? आई शुड कंसिडर डेप्थ अप टू द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली, राइट। तो यहाँ तक ही मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑल द कैलकुलेशन किए जाना चाहिए। तो क्या मैं इतनी नीचे की डेप्थ हटा दूं, इतनी प्रोवाइड ना करूं? नो, आई हैव टू प्रोवाइड। वाई? बिकॉज जो स्टील रेनफोर्समेंट है दैट कैन नॉट बी केप्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो वो स्टील रेनफोर्समेंट के कॉन्टैक्ट में आएंगे और एयर वाटर एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। तो क्या हो सकता है, आपका स्टील रेनफोर्समेंट कोरोड हो सकता है, एंड वंस द स्टील रेनफोर्समेंट कोरोड देन वॉट विल हैपन, सेक्शन मे फेल, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कवर प्रोवाइड करना होता है, इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कवर, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ मैंने बना दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस की। तो ये हो गया यहाँ कहीं पर आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमारा एजम्पशन नंबर 1 क्या था, आप यदि हमारा पिछला वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो एजम्पशन नंबर 1 की बात की थी वो क्या बात किया था। मैंने अजम्पशन नंबर 1 में बात किया था, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, दैट मीन्स द स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। तो फ्रॉम अजम्पशन नंबर 1 मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर का फिगर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेन वेरिएशन जो है वो लीनियर है और वो कुछ इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। तो ये हो चुका स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने ये बात किया था
कि एजम्पशन नंबर टू की, एजम्पशन नंबर टू क्या था मेरे पास, एजम्पशन नंबर टू था द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज 0.0035। ये ले लिया मैंने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.0035, ठीक है। उसके बाद आप यदि एजम्पशन नंबर फाइव देखेंगे पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेन लिया था स्टील रेनफोर्समेंट में, वो स्ट्रेन मैंने लिया था 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाय ES। ES क्या होता है, ES होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2×10⁵ न्यूटन पर mm² और मेगा पास्कल वी कैन से, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। FY क्या है, इट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, वी कैन से द ग्रेड ऑफ स्टील। तो ये हो चुका है मेरा एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 2, एजम्पशन नंबर 5 की बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया था आपका एजम्पशन नंबर 3, व्हाट वाज आर एजम्पशन नंबर 3, एजम्पशन नंबर 3 था यहाँ पर कि जो स्ट्रेस ब्लॉक आपको लेना है, द स्ट्रेस ब्लॉक फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन, सपोज ये आपका स्ट्रेन है 0.002 लेवल का, तो आप यदि यहाँ से इसको इस फैशन में देखते हैं, सो फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 द स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक एंड देन इट इज रेक्टेंगुलर। तो आप देखेंगे यहाँ तक क्या है, ये पैराबोलिक है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 तक, और उसके बाद क्या है ये स्ट्रेट और क्या है रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना अवेलेबल था मेरे पास एजम्पशन नंबर 3 में, दैट वी हैव फ्रॉम एजम्पशन नंबर 2 एंड एजम्पशन नंबर 3 0.446 FCK। ये क्या है 0.446 FCK, ये 0.446 FCK है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने क्या बात किया था, ऑल द टेंसाइल फोर्सेस विल बी टेकन बाय स्टील, यहाँ पे कहीं पे स्टील रेनफोर्समेंट पर टेंसाइल फोर्सेस लग रहे होंगे, उसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेक्शन को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये मैं मान रहा हूँ कितनी हो गई, ये हो गई सपोज आपकी x2, ये मैं मान रहा हूँ ये हो गई सपोज आपकी x1, तो x1 है x2 है, ठीक, x1 x2 आ गई। अब हमें क्या करना है, x1 x2 निकालने के बाद x1 x2 यहाँ पर हमने निकाल लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रेशो लिया, सिमिलर ट्रायंगल देखते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल कैन आई राइट 0.0035 डिवाइड बाय, ये पूरा क्या है हमारे पास टोटल इस इफेक्टिव, ये जो है वो है हमारे पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU, फ्रॉम टॉप टू द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इज कॉल्ड XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया XU, और X1 प्लस X2 किसके बराबर है, XU के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल से 0.0035 डिवाइड बाय टोटल क्या हो गया XU इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं क्या लिख दूँ मैं, 0.002 डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस हो गई है X2, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, अब क्या करना है X2 का वैल्यू मैं निकाल दूँ इन द टर्म्स ऑफ XU, सो इन द टर्म्स ऑफ XU द वैल्यू वी हैव 4/7 ऑफ XU, तो ये मेरे पास आ चुका है किसका वैल्यू, X2 का, ठीक है। अब क्या करें, ये X2 का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 4/7 ऑफ XU, टोटल X1 प्लस X2 किसके बराबर है XU के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या लिख दूँ, सिंस X1 प्लस X2 इज इक्वल टू XU, इसका मीनिंग क्या हो चुका है, यहाँ से मैं X1 निकाल लेता हूँ, दैट इज 3/7 ऑफ XU, क्योंकि X2 इन द टर्म्स ऑफ XU 4/7 है, तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है मुझे X1 का। चलिए X1 आ चुका है, X2 आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स की मैं बात करता हूँ। तो कंप्रेसिव फोर्स यदि आप देखेंगे, तो आपके पास ये स्ट्रेस ब्लॉक है जो कि कंप्रेसिव फोर्स बता रहा है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अबो द न्यूट्रल एक्सिस आपके पास क्या आने वाले हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस आने वाले हैं, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस पर आपके पास क्या आने वाले हैं,
आपके पास टेंसाइल फोर्सेस आने वाले हैं. अबव द न्यूट्रल एक्सिस ऑल द कंप्रेसिव फोर्सेस विल बी टेकन बाय कंक्रीट, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ऑल द टेंसाइल फोर्सेस विल बी टेकन बाय स्टील. तो कंक्रीट कितना कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है वो हम निकालना चाहते हैं. तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू टोटल एरिया के. यहाँ पर स्ट्रेस कितना है 0.446 FCK इंटू एरिया. ये एरिया, ये एरिया क्या है, इररेगुलर इन शेप है. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस की बात कर रहा हूँ. एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, क्या बात कर रहा हूँ मैं एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए, कि मेरे पास इररेगुलर फिगर है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर वन फिगर टू में डिवाइड कर रहा हूँ. तो ये मेरा हो गया सपोज, इसको मैंने मान लिया वन, इसको मान लिया पैराबोलिक को टू. तो मैं मान रहा हूँ कि वन के कारण यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स सी वन लग रहा होगा, टू के कारण कंप्रेसिव फोर्स सी टू लग रहा होगा. कंप्रेसिव फोर्स सी वन का क्या वैल्यू हो जाना चाहिए, सी वन का वैल्यू होना चाहिए स्ट्रेस इंटू ये रेक्टेंगुलर एरिया. स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0.446 FCK हो गया. ये तो हो गया स्ट्रेस का वैल्यू. एरिया बताइए, एरिया कितना आ रहा है, एरिया देखते हैं. यहाँ पर ये रहा बीम का एरिया, B इंटू ये डेप्थ कितना है, X1 के बराबर है. सो B इंटू X1, तो ये हो गया आपका C1 का वैल्यू, B इंटू X1. ठीक है, आपको एरिया लेना है बीम का, तो यहाँ पर ये हो गया B विड्थ और डेप्थ यहाँ तक की चाहिए आपको. ये डेप्थ कितनी है, X1, तो b इंटू x1 लिख दिया मैंने. x1 का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इन द टर्म्स ऑफ एक्स यू दैट वी हैव 3/7 ऑफ एक्स यू. सो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.446 FCK b इंटू 3/7 ऑफ एक्स यू. चलिए, ये मेरे पास वैल्यू किसका आ चुका है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है c1 का. अब मैं क्या करता हूँ, C2 के वैल्यू की बात करता हूँ. तो यहाँ पर C2 हम निकालते हैं, C2 फोर्स देखते हैं. C2 किस पे लग रहा है, पैराबोला का. तो पहला फिगर मेरा रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर एरिया इंटू स्ट्रेस कर दिया. दूसरा जो फिगर है वो पैराबोलिक है, तो एरिया ऑफ पैराबोला इंटू स्ट्रेस 0.446 FCK है. पैराबोला का एरिया कितना होता है, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर. तो यहाँ पर तो क्या हो जाना चाहिए, पहले तो मैं स्ट्रेस लिख देता हूँ, स्ट्रेस विल बी 0.446 FCK. ये हो गया आपका स्ट्रेस इनटू एरिया क्या है, यहाँ का एरिया देख लेते हैं. एरिया देखिए, ये एरिया यहाँ पर, ठीक है. तो ये है B इनटू डेप्थ है X2, B इनटू XU. तो B इनटू XU किसका हो गया, ये हो गया उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, मतलब इतने पोर्शन का, यहाँ से लेके इतने का. लेकिन इसमें पैराबोला है तो रेक्टेंगल का 2/3 हम लेते हैं. जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास ये एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है. ये डेप्थ कितनी है आपकी, ए है, और ये डेप्थ कितनी है, मतलब ये डायमेंशन बी है सपोज. और आपके पास जो पैराबोला है वो इस तरीके से है. तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा, ये है पैराबोला आपका, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 2/3 ए इंटू ए बी. और ये जो स्पैंड्रल है, इसको स्पैंड्रल कहेंगे, उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ ए बी. मतलब रेक्टेंगल का 2/3 एरिया ऑफ पैराबोला रिमेनिंग फॉर स्पैंड्रल. तो यहाँ पर मेरे पास ये पैराबोला है, तो 2/3 में लगा दूँ एरिया, कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ b इंटू एक्स टू लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4/7 ऑफ एक्स यू. तो मेरे पास ये किसका वैल्यू आ चुका है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है c2 का. चलिए, c2 भी हो चुका है, c हो चुका है, c2 हो चुका है. टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल दूं मैं यहाँ पर. टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स taken by concrete will be equal to C, and that will be equal to C1 plus C2, total compressive force. तो यहाँ पर आप C1 plus C2 को add करेंगे तो आपको in the terms of XU एक equation मिल जाएगी. That equation will be 0.3446
36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू के बराबर होगी. सो दिस इज द टोटल कंप्रेसिव फोर्स दैट वी हैव इन आर कॉन्क्रीट सेक्शन. ये कंप्रेसिव फोर्स है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में. अच्छा, मैं इसको सिंगली रेनफोर्स्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टील बार्स प्रोवाइड किए हैं वो बॉटम ऑफ द बीम में प्रोवाइड किए हैं. यदि मैं टॉप में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ देन आई शुड कॉल डबली रेनफोर्स्ड बीम. अभी फिलहाल में मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ. आफ्टर सम टाइम्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डबली ऑल्सो इन कमिंग लेक्चर्स. अभी फिलहाल में टारगेट है हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पर. तो ये हो गया सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में टोटल कंप्रेसिव फोर्स विच इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू का. इसमें आगे देखता हूँ कि देखिए मुझे लोकेशन पता है सी वन का कि सी वन कहाँ लग रहा है. सी वन टॉप से एट अ डिस्टेंस ऑफ ए वन लग रहा है और ये जो ए वन है इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द टॉप वो है, अच्छा टोटल कितना है रेक्टेंगल का साइज डेप्थ एक्स वन. तो ए वन जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा एक्स वन बाय टू पर. मतलब एक्स वन जो था वो है मेरे पास 3/7, मतलब ये लग रहा है मेरा 3/14 ऑफ एक्स यू पर. ये हो चुका है सी वन का डिस्टेंस कि सी वन इतनी डिस्टेंस पर लग रहा है टॉप फाइबर से. सी टू कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं. ये जो C2 है वो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है और वो डिस्टेंस है सपोज A2 टॉप फ्रॉम टॉप फाइबर. कितना हो जाएगा वो A2 जो होने वाला है वो A2 फ्रॉम टॉप फाइबर टू द डिस्टेंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स C2 हो जाएगा X1 प्लस पैराबोला का सीजा कितने पे लाई करता है? पैराबोला की जो CG है वो लाई करती है 3/8 ऑफ डेप्थ पर. तो यहाँ पर A2 जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए X1 प्लस 3/8 ऑफ X2 पर. ये X2 था उसका 3/8 इतना हुआ प्लस उसमें X1 हमने ऐड कर दिया है. ये X1 प्लस 3/8 ऑफ X2 ये हो गया पूरा A2. मतलब फ्रॉम टॉप फाइबर से A2 डेप्थ पर आपका C2 लग रहा है तो A2 को हम इन द टर्म्स ऑफ इफ यू वांट 3/7 ऑफ XU प्लस 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ XU हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4/7 ऑफ XU. तो मेरे पास A1 आ चुका है कि कितनी डिस्टेंस पर C1 लगता है, मेरे पास A2 आ चुका है कि कितनी डिस्टेंस पर C2 लगता है. लेकिन मुझे C1 की वैल्यू पता है कि C1 कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, C2 की वैल्यू पता है कि वो कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है. मुझे कंबाइंड फोर्स की डिस्टेंस नहीं पता, उसकी वैल्यू पता है कि 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू है. लेकिन ये पूरी इस जगह पर फ्रॉम टफ फाइबर्स लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तक किस जगह पर लग रहा है ये मुझे नहीं पता है. क्या मैं इसकी सी जी निकाल सकता हूँ कि ये कहाँ पर लगने वाला है? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. वो हम कैसे निकालेंगे? मैं मान रहा हूँ कि वो एक्स बार डिस्टेंस पर लग रहा होगा फ्रॉम दी टॉप. फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सी वन ए वन प्लस सी टू ए टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू. ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हम मेरे पास सी वन भी है, मेरे पास सी टू भी है, ए वन भी है, ए टू भी है. ये सभी वैल्यूज हम क्या रखने वाले हैं? इस इक्वेशन में रख देते हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिलता है एक्स बार का दैट इज इक्वल टू 0.42 एक्स यू. तो ये हमें वैल्यू मिल चुका है यहाँ पर एक्स बार का कि जो एक्स बार है वो कितने पर लगने वाला है? 0.42 एक्स यू फ्रॉम दी टॉप से लगने वाला है. तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ ये मुझे मिल चुका है किसका वैल्यू? एक्स बार का. अच्छा, अलग से फिगर बना के मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये लग रहा होगा. ये आपका क्या था? स्ट्रेस ब्लॉक था और कुछ इस तरीके से ये क्या था? पैराबोलिक था अप टू दी स्ट्रेन ऑफ 0.002 एंड देन इट वॉज रेक्टेंगल. तो ये यहाँ तक सपोज मैं मान रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल है और ये पैराबोलिक है. उसके बाद ये आपका क्या था? स्टील रेनफोर्समेंट का पॉइंट था. तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका यहाँ कहीं पर क्या लग रहा है? C1 लग रहा था, यहाँ पर C2 लग रहा था. आपका जो C लगने वाला है वो टॉप से 0.42 XU पर लगने वाला है, वो यहाँ कहीं पर लग रहा होगा. यह है आपका C.
तो ये जो डिस्टेंस है उसकी टॉप फाइबर्स है वो डिस्टेंस अभी हमने निकाली है विच इज़ इक्वल टू 0.42 ऑफ एक्स यू। तो ये हो चुका है मेरे पास इस तरीके सा फिगर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स बता रहा है। अच्छा, अभी तक मैंने जो बात किया वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात किया, एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स का। बात करता हूँ एनालिसिस ऑफ टेंसाइल फोर्स की। तो देखते हैं हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ टेंसाइल फोर्स कि किस तरीके से हम टेंसाइल फोर्स को निकाल सकते हैं। तो यदि आप टेंसाइल फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स टी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो स्टील रेन्फोर्समेंट मैंने लिया है, मैं मान रहा हूँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टील रेन्फोर्समेंट का वो है AST, टोटल एरिया ऑफ स्टील इज AST। और स्टील में स्ट्रेस कितने होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात किया था, स्टील में स्ट्रेस होते हैं 0.87 इंटू FY के। 0.87 FY क्या है हमारे पास, स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ पर ये हो चुका है आपके पास स्ट्रेस इन स्टील 0.87 इंटू FY। अच्छा, ये 0.87 कहाँ से आया, तो 0.87 आया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से FY, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है 1.15। तो यदि आप लिखते हैं FY डिवाइड बाय 1.15 तो आपको वैल्यू मिल जाती है 0.87 FY इंटू, यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, एरिया ऑफ AST, एरिया ऑफ रेन्फोर्समेंट दैट वी हैव AST। तो मुझे क्या मिल चुका है, टोटल एरिया ऑफ स्टील रेन्फोर्समेंट मिल चुका है। आपको नोटिस करना चाहिए मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फोर्स है, कौन लेगा, कंक्रीट लेगा। मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स है, कौन लेगा, स्टील रेन्फोर्समेंट लेगा। मुझे इस कंप्रेसिव फोर्स की लोकेशन मालूम है कि ये बीम में टॉप फाइबर से 0.42 XU पर लगने वाला है, लेकिन ये कहाँ पे लगने वाला है, टोटल टेंसाइल फोर्स ये लगने वाला है CG ऑफ स्टील रेन्फोर्समेंट पर। मतलब यहाँ पर यदि मैंने स्टील यहाँ प्रोवाइड कर रखा है तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बीम ये क्या लगने वाला है, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगने वाला है। अच्छा, ऊपर कंप्रेसिव फोर्स यदि आप इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि कंप्रेसिव फोर्स को उस डायरेक्शन में शो करते हैं तो टेंसाइल को इस डायरेक्शन में वैल्यू शो कर सकते हैं। टी का वैल्यू कितना आ चुका है, टी टोटल टेंसाइल फोर्स का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो मैंने सेपरेट फिगर बनाया था वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मेरे पास टोटल टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है वो टी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST है। यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू लिख देता हूँ 0.36 FC के B इंटू क्या है, XU है, ठीक है। टोटल C हो गया, टोटल T हो गया। मेरा टारगेट क्या था, मैं इसको एनालाइज करना चाहता था सेक्शन को। मुझे एक सेक्शन ऑलरेडी दिया है जो कि डिजाइंड है, उसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइंड है, उसके अंदर क्या है, उसका डेप्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एवरीथिंग इज डन, एरिया ऑफ स्टील आल्सो डिजाइन। मुझे करना क्या था, इसको एनालाइज करना था कि सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, कितना ये मोमेंट कैरी कर सकता है, कितना कंप्रेसिव फोर्स कैरी कर सकता है वो मैंने निकाल दिया, कितना टोटल टेंसाइल फोर्स कैरी कर सकता है वो मैंने निकाल दिया स्टील लेवल पर, ये कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है दैट वी वॉन्ट टू एनालाइज हियर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, MOR, मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस, किधर, इन द कंप्रेशन जोन। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सी, मतलब इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। उसके बाद हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर, इन टेंशन जोन। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया टी। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन क्या होना चाहिए, देखते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर यदि एक बात नोटिस करें तो कंप्रेसिव फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, टेंसाइल फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है सेक्शन पर, अबो एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या हो रहा है, दे आर डेवलपिंग वन कपल, और ये कपल का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के बीच का ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है,
क्या वो निकाल दूं मैं? देखिए इस पूरे सेक्शन की जो इफेक्टिव डेप्थ थी वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कितनी थी? स्मॉल डी। स्मॉल डी में से यदि 0.42 एक्सयू में हटा दूं तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की मुझे क्या पता लग जाएगी? डिस्टेंस, जिसे मैं नाम दे देता हूं लीवर आर्म। सो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी हो गई? दो फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 एक्सयू हो चुका है। चलिए इतना मुझे क्लियर हो चुका है। अब ये लीवर आर्म फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीवर आर्म विल बी द मूवमेंट। तो यहाँ पर यदि आप कंप्रेशन जोन में निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। यहाँ पर निकाल रहे हैं तो टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या है वो मैं निकाल चुका हूँ, दैट वी हैव 0.36 एफ सी के बी इंटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू। लीवर आर्म क्या है? लीवर आर्म है डी माइनस 0.42 एक्स यू। टेंसाइल जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि निकालना चाहते हैं तो टोटल टेंसाइल फोर्स क्या है मेरे पास? 0.87 एफ वाई इंटू एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो दोनों के लिए लीवर आर्म तो सेम है, फोर्सेस की वैल्यू हमने क्या कर दी है? चेंज कर दी है। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूले बने हैं, ये पहला फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इन दी कंप्रेशन जोन, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इन टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन दोनों तरह ही हमने क्या निकाल दिया है? हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वेशंस निकाल दिया है। और आप चाहे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करिए या चाहे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करिए, आपको पूरे सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है सेम मिलने वाला है। तो दोनों इक्वेशन से हमें सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये पूरा पिक्चर था कि किस तरीके से हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर लीवर आर्म कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं, किस तरीके से हम उसमें टोटल टेंसाइल फोर्स निकालते हैं, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कंप्रेशन जोन में, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं टेंशन जोन में। सो आई होप यू पीपल हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।